ತುಪ್ಪಾ ತುಪ್ಪಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮಿರ್ಬೇಕು ತುಪ್ಪಾ ತಗೊಳ್ಳಮ್ಮ ಆಮಿರನ ತುಪ್ಪಾ ಇದು ಹಾಲು ಹಾಲು ತುಪ್ಪಾ सर अभी जो है यहाँ पर जो आज 15 तारीख है, आज जो है पूरा पका के जो हम जो है देखे लोग खाना खाने के देख रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना है और ये हर साल जो है नया नया टाइप का खाना बनाते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं सर आप? ये नवरात्र उत्सव का 2022 का हमारा समाप्ति आज आमंत्रण के कार्यक्रम और पूरणपुरी के महाप्रसाद से आयोजित है। पिछले 5 साल से लगातार हमारा पूरणपुरी का महाप्रसाद चल रहा है, ये 5वां साल है और लगभग 600-700 लोग महाप्रसाद में जो है सम्मिलित होकर भाग लेकर महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सर अभी जो है अगले साल और कुछ इससे और दूसरा कुछ आइटम खाने में चेंजिंग होगा सर? अगले साल का कुछ ऐसा हमारा तय नहीं है, कुछ ना कुछ हम हमारे प्रसाद में जोड़ते जाते हैं, जितना हो सके हम कुछ भक्तों को नया नया प्रसाद में खिलाने के कोशिश करते हैं। फिर दिसंबर में यड़ामास रहेगा, यड़ामास के दिन भज्जी और रोटी का जो है आयोजन रहेगा, वो हर साल की तरह हम कुछ ना कुछ नया खिलाने का प्रबंध मंदिर में करते हैं और अच्छा खिलाएंगे भक्तों को, यही कामना के साथ हम आगे प्रसाद ऐसे ही नियोजित करते जाएंगे। आपका नाम सर? प्रशांत शेंद्र। आप यहाँ क्या उद्देश्य है सर? मैं प्रशांत शेंद्र, अध्यक्ष जगदम्बा भवानी मंदिर भी करें। माता का दर्शन और माता का भक्ति और माता का जो माँ की शक्ति है वो तो परंपरा है। हाँ, परंपरा माँ का, सिर्फ माता का शक्ति है। हर नवरात्रि के दिन क्या है, नौ दिन पूरा इधर आते रहते हैं और क्या है बोले तो अपना चंडी हवन को भी हम आते रहते हैं। नहीं सर, ये क्या है मालूम सर, ये जो है यहाँ मंदिर में हर टाइम कुछ ना कुछ हर साल नया होते रहता है, आप कहीं देखे सर यही मंदिर में देख रहे सर, ये मंदिर में हर साल का साल डेवलप हो रहा है और कुछ नए नए जो पूरी बना रहे सर, बीदर में डिस्ट्रिक्ट में एक ही मंदिर है सर। माता का आदि शक्ति शक्ति है, उसी के वास्ते क्या है माता कर लेती और क्या है नया नया होते रहता हर साल एक नया होता है। नहीं मेरा, मैंने सुना कि यहाँ पर जो मंदिर में काम करते हो भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं माँ का। ये साल हमारे भवानी माता मंदिर में 75 ईयर स्वर्ण महोत्सव का ही करें और दशहरा का नवरात्रि समापन आज कर रहे हैं हम, और देवी के जितने भी एक साथ में सारी जमा होते हम सब महिलाओं को प्रसाद बोल के कम रेट में दे देते, सभी महिलाएं आके एक ले लेते और उस साड़ी साल में सबको सुख शांति। पीछे जो साड़ी का जो मेला है किस बारे में है मैडम? ये साड़ी का मेला प्रेमी को कोई भी साड़ी अर्पित कर देना, एक साल से वो गए साल दसवें चिपकड़ के एक दसरा तक साड़ी चढ़ाए सो रहते हैं, वो सब साड़ी निकाल के आज हम कम रेट में बिक जाते हैं। हर आदमी लेके जाता है, गरीब अमीर सभी लोग? सब लोग लेते हैं। हमारे मंदिर को हर तरफ से लोग आते हैं, हिंदू बोले तो हर जाति का लोग आते हैं, सिर्फ हमारा सभी समाज का बोल के नहीं है, पूरा लोग आते हैं। ये साड़ी लेके जाने से घर में आगे का कुछ अच्छा संकेत मिल सकता है? आगे का संकेत मिलता है, माँ का आशीर्वाद है बोल के सब जने लेते हैं। माँ के आशीर्वाद की भवानी माता की जय।
ये साल हमारे भवानी माता मंदिर में 75 ईयर्स स्वर्ण महोत्सव का ही करे और दसरा का नवरात्रि समापन आज कर रहे हम और देवी के जितने भी एक साथ में सारे जमा होते हम सब महिलाओं को प्रसाद बोल के कम रेट में दे देते सभी महिलाएं आके ले लेते और उस साड़ी से सबको सुख शांति मिलती है देवी का आशीर्वाद बोल के सब जरिए खरीदी करते ऐसा नानू इंदू बैरी विश्वकर्मा ना 45 वर्ष आयुटे हूड़ी मत ऐनू नावे बंद भजनी मातीदेव गीता अम्मर ना भजनी मातीदेव आवंदे आयुनि इवान महाराज बंद मेल प्रभाकर महाराज बंद और बंद डेवलप आगे रही हाँ नहीं हमारे यहाँ शकर तुलजापुर लोग देवल है भवानी तुलजापुर भवानी से मंदिर है हमें 40 वर्ष में होगा विठ्ठलराव शेंद्रे ने ओपनिंग झालेला है सपाडे ने मूर्ति बसवेला है आत्तापर्यंत चर्चा चालले है आता 5 वर्ष झाले गोंधळ झाले पोळी दूध पोळीचं जेवण चालले है ते चर्चा वाढतच चालले कम नाही है आम्हा सगळ्यांना छान झालं आहे मैडम जो है यहाँ पर जो है आप जो मंदिर में जो सेवा कर रहे हैं माँ का आपको माँ का आशीर्वाद का क्या फल मिला भवानी माता की जय भवानी माता की जय भवानी माता की जय